कश्मीर के सोपोरी सूफियाना घराने में संतूर की जो हिस्ट्री है वो ऑलमोस्ट 300 साल की एक हिस्ट्री है, जिसमें एक के बाद एक मास्टर म्यूजिशियंस आए हैं, कंट्रीब्यूट किया है। हमारी फैमिली जो बेसिकली है वो एक वाहिद घराना संतूर का है। सूफियाना सोपोरी घराने में जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें मेन हमारे जो साज हैं संतूर है, सितार है, जो पहले कश्मीरी सितार होता था और उसके बाद जब इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक हमारी फैमिली में आया तो अब सितार है। कश्मीरी एक इंस्ट्रूमेंट होता था वसूल, जो पखावज का कश्मीरी पैरेलल था, अब वो एक एक्सटेंट इंस्ट्रूमेंट है, तो अब तबला रहता है। जब 47 का इंसिडेंट रहा, कवाली रेड रहा, तो उसके बाद सोपोर से शिफ्ट हुए, श्रीनगर सिटी आए। 1990 का टर्मोइल रहा, फिर से शिफ्ट हुए। यानी हर एरा में कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट रही है, लेकिन इसके बावजूद भी ये घराना एक पिलर की तरह स्ट्रांग रहा है। एक सोशल टैबूज तो पूरे कंट्री में ही जुड़े हुए थे कि म्यूज़िक क्या सीखना है, अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन वहाँ पे रिलीजियस इश्यूज भी थे कि आप नहीं सीख सकते म्यूज़िक, उसको चेंज करना, लेडीज़ को म्यूज़िक सिखाना और वहाँ से लिसनर्स क्रिएट करना, म्यूजिशियंस क्रिएट करना। मेरे फादर ने फर्दर उसको लिया, सिर्फ गाया बजाया नहीं है, उसने कल्चर डेवलप किया है। हमारे यहाँ सूफियाना मौसीकी हमेशा से रही है। बेसिकली ये जो पूरी परंपरा है ये शैव्य परंपरा है, और शैवाइट्स, जो हम शैवाइट फिलॉसफी की भी बात करते हैं क्योंकि हम कश्मीरी शैवाइट्स हैं सभी। और जब सूफी इन्फ्लुएंस कश्मीर में आया, वो जो एक कम्बिनेशन बना, वो बहुत ब्यूटीफुल कम्बिनेशन बना है, जिसमें एक शैवाइट थॉट है, सूफी फलसफा है, और वो दोनों घुमा फिरा के एक ही हैं। कि संतूर एसेंशली एक स्ट्राइकिंग इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन उसमें बोल क्रिएट पापा ने किए, मींड क्रिएट किया, गमक कैसे आएगा ये क्रिएट किया, जो हमारे अलग अलग बोलों के पैटर्न्स हैं उनको कैसे बैलेंस किया जाए, ग्लाइड्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, कृंतन का काम, जमजमे का काम, इस तरीके की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी पापा ने इंट्रोड्यूस की हैं, जिसे हम सोपोरी बाज कहते हैं। तो मेरा जो सस्टेन है वो बहुत डिफरेंट है, और मैं सस्टेन को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मैंने उसमें कुछ ऐसी टेक्निकल चेंजेस किए हैं संतूर में, जो भी संतूर के जो ही लोअर ऑक्टेव में आते हैं तो एक साउंड का डिफरेंट डायमेंशन है। तो जो बीन अंग ऑलरेडी पापा ने एस्टेब्लिश किया था संतूर पे, मैंने उसको और फर्दर आगे लेने की कोशिश की है। मैंने गायकी अंग को फर्दर अपने संतूर पे एस्टैब्लिश किया, और जिसमें कि मैं गाता हूँ, तो अगर मैं तराना आ रहा हूँ तो मैं तराना गा के आऊँगा, अगर मैं टप्पा आ रहा हूँ तो मैं टप्पा गा के आ जाऊँगा, छोटा ख्याल आ रहा हूँ तो वो भी गा लूँगा, कोई भी बंदिश वगैरह मैं ले लेता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम नई चीज़ में कोई लेके आया हूँ, क्योंकि हमारी सूफी परंपरा में गाना बजाना एक साथ ही होता है। तो मेरे दादाजी पंडित शंभुनाथ सोपोरी जी आज भी अगर मुझे कभी कुछ बताते हैं तो वो पहली चीज़ मुझसे कहते हैं कि पहले गाओ, पहले गले से उतारो, जब गले में आ गया फिर सांस पे आएगा। ये जो सिस्टम है जिसमें कि जिसे हम गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं, इसमें रिटन कुछ नहीं है, किताबें छपी हुई हैं लेकिन किताबों को लेके आप सीख नहीं सकते। तो ये जो सिस्टम है जिसमें सीना वसीना हम अपने गुरु के साथ बैठते हैं, अपने उस्ताद के साथ बैठते हैं और सीखते हैं, यही हमारे म्यूज़िक की खूबसूरती है। और मुझे लगता है हर एक जो एक लेजेंडरी म्यूजिशियन इस कंट्री के रहे हैं उनमें ये खूबी सबसे ज़्यादा आपको दिखाई देगी कम्पेयर टू एनी अदर। इन इंटरनेशनल कोलेब्रेशंस में जो मुझे लगता है हमारे अरब रीजन के एक म्यूजिशियन हैं, उनके साथ मेरा कोलेब्रेशन हुआ था, मिस्टर हज यूनिस। उसके बाद अमेरिकन ईरानियन डल्समा, बहुत सीनियर म्यूजिशियन है, डॉक्टर शगाफी, उनके साथ हुआ है। तो इस तरीके के मैंने बहुत कोलेब्रेशंस किए हैं, लेकिन कश्मीर में जो मैंने हमारे लेजेंडरी माएस्ट्रो हैं जुबीन मेहता साहब, उनके साथ जब कोलैबोरेट किया, मुझे लगता है वो मेरी लाइफ का एक बहुत टर्निंग पॉइंट रहा है। पूरे माहौल में जो चीज़ निखर के आई वो ये थी कि कश्मीर डिस्पाइट ऑफ ऑल द इश्यूज जो वहाँ रहे हैं, सोशल पॉलिटिकल, लेकिन उनके बीच में कश्मीर का जो म्यूज़िक है
वो खड़ा है, कश्मीर का कल्चर जिंदा है और वो ग्रो बहुत अच्छे से कर सकता है, प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, ये बात सामने निकल के आई। मेरा ये है कि अगर मैं म्यूज़िक फील्ड से हूँ और म्यूज़िक फील्ड में मुझे लगता है कि आज की डेट में कहीं पे भी किसी किस्म की मुझे प्रॉब्लम नज़र आती है, चाहे वो म्यूजिशियंस को लेके हो या हमारे ऑर्गेनाइजर्स की सोच को लेके हो, क्योंकि एक ऐसा वो बन गया है कि यंगर जनरेशन के अच्छे म्यूजिशियंस पीछे रहते चले जा रहे हैं, उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। मेरी कोशिश ये है कि उनको हम आगे करें, तो जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो फिर हमारे सामापा फेस्टिवल्स के थ्रू हों, मतलब जैसे हम जम्मू कश्मीर में जितने भी फेस्टिवल्स करते हैं, जो दिल्ली बॉम्बे वगैरह में करते हैं वो तो अलग है, लेकिन कश्मीर में जेल्स में, बॉर्डर्स पे, फार ऑफ एरियाज में, जहाँ पे कभी कोई कल्चरल एक्टिविटी हुई नहीं है, वहाँ पे हम म्यूजिशियंस को लेके जाते हैं, परफॉर्मेंसेस करते हैं, बच्चों को एक इंट्रैक्शन होती है। नंबर वन, म्यूजिक जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए, ये पेशेंस डेवलप करता है। हम लोग आजकल पेशेंस लूज कर गए हैं और इसे हम अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं। हल्का सा कुछ हो जाए, कोई पीछे से चले, आप ट्रैफिक में चल रहे हैं, 10 गाड़ियां पीछे कोई हॉर्न बजा रहा है, पेशेंस कहाँ से आएगी? कोई भी क्रिएटिव आर्ट लें, पेंटिंग लें, स्कल्पचर लें, म्यूज़िक सबसे इजीएस्ट फॉर्म है, इसलिए म्यूज़िक की सब हमेशा पहले बात हो जाती है, लेकिन जो मर्जी करें, कुछ करें, वो पेशेंस इंसान में डेवलप करती है, इंसान की पर्सनैलिटी को रिफाइन करती है, इंसान को सोचने पर मजबूर करती है। द मोमेंट आप सोचना शुरू करते हैं, गलत और सही का रास्ता खुलता है, और ये हमें चाहिए।